साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर से। दीपक, यहाँ तो आधी रात है, आप जहां पर हैं वहां पर दोपहर है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से ये कैसा वक्त है? नई सुबह है, दोपहर होने जा रही है, या नई एक बड़ी ऊर्जावान शाम होगी? क्या कहें, गर्माहट कैसी है? गर्माहट कैसी है? ना बिल्कुल, ऊर्जा तो है, बहुत सारी ऊर्जा है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब आए हैं तब सबसे पहले घोषणा सैयद सलाउद्दीन के बारे में हुई, और उसके बारे में उम्मीद की जाती है कि कई सारे और चीजों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको कुछ ना कुछ देंगे। कुछ ना कुछ देने का मतलब ये नहीं है कि लॉलीपॉप पकड़ाना या फिर कुछ और करना, लेकिन दोनों की बातचीत बहुत ठोस होगी, कोई नतीजे वाली होगी, और हमको उम्मीद ये करना चाहिए सुशांत कि इस बातचीत के अंदर कोई सॉलिड चीज निकलकर सामने आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सतही चीजें हो जाती हैं, जैसे उन्होंने सैयद सलाउद्दीन के बारे में कह दिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ एशिया में अब भारत को लीडरशिप का रोल करना चाहिए, और उसी लीडरशिप के रोल के बारे में नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बात करेंगे, क्योंकि हमने कल जिन डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों से बात की उनका साफ साफ कहना था, वो साफ साफ कह रहे थे कि अब भारत को लीडरशिप का रोल देने में अमेरिका को कोई हिचक नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भी स्ट्रैटेजिक दृष्टि से कोई ऐसा चाहिए जो चाइना को रोक सके, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठ चुका है, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर सीपैक बना रहा है, और चाइना किस तरह का दोस्त या दुश्मन है अमेरिका का वो सब जानते हैं। मैं दोस्ती या दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी बड़े देशों की बात आती है तो स्ट्रैटेजिकल रिलेशंस की बात आ जाती है, तो मेरा ये मानना है कि अब जो बातचीत होगी वो बहुत सॉलिड होगी, और सॉलिड बातचीत के अंदर, क्योंकि ये लंबी बातचीत है, वो एक मिनट दो मिनट या पांच मिनट या दस मिनट की बातचीत नहीं है, लगभग 5.5 घंटे इस बातचीत के दौरान गुजरेंगे सुशांत, तो 5.5 घंटे के दौरान मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे अफेयर्स होंगे जिन पर बातचीत होगी। एक बार मैं फिर से अपने आप को रिवाइंड करके आपको बता दूं कि सबसे पहले 1-to-1 मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच, 20 मिनट का टाइम उसका था, लेकिन हमें नहीं पता अभी तक कि 20 मिनट से ज्यादा क्या वो बैठे हैं क्या वो नहीं बैठे हैं, और अगर वो 20 मिनट से ज्यादा भी बैठते हैं तो उनको दोनों को कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी, फिर दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट होगा, और दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट के बाद एक वर्किंग डिनर होगा, और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर डिनर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सिग्नलिंग की दृष्टि से देखा जाए, अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि क्या हो रहा है वॉशिंगटन के अंदर और किस तरह के संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत को मिल रहे हैं, तो संकेत बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं। पहली बात सैयद सलाउद्दीन की, जी हाँ, मैंने कहा था कि भारत को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, क्योंकि हाफिज सईद के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, शायद वही सैयद सलाउद्दीन के साथ हो, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन की जहां तक हम बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं और कई सारे बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हैं जो सैयद सलाउद्दीन के घर शादियों के अंदर जाते हैं, और भारत को किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। भारत चाहता था कि उनको एक टेररिस्ट की लिस्ट में रख दिया जाए, और अब उनको रख दिया गया है, तो मुझे ये लगा था कि ये झुंझुना इसलिए पकड़ाया गया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बातचीत का रास्ता बन सके, और ये बातचीत से पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया है
जिसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके पास है सुशांत जी। तो सुशांत ऐसे मामलों में अगर देखा जाए, डिप्लोमेसी के अंदर देखा जाए, तो सिग्नलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्या संकेत दे रहे हैं आप दूसरे को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी के चलते अब जो है सबकी नजरें इस बात पे लगी हैं कि दोनों ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, हालांकि दोनों कोई भी सवाल नहीं लेंगे पत्रकारों का। जी, मैं आपके पीछे देख रहा था, बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन ये नेता कितने सेल्फलेस होकर बात करेंगे ये भी निर्भर करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर कोई अपना फायदा देखता है। आप हफ्ते भर से सर वहां पर हैं, जरा ये समझाइए कि भारत के लोग जो वहां हैं वो क्या चाह रहे हैं कि मोदी जी क्या लेकर जाएं और क्या देकर जाएं, और ट्रंप के लोग क्या चाह रहे हैं कि ट्रंप क्या डील करें भारत से या नहीं करें। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं भारतीय लोगों के बारे में बोलूं तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न है H-1B वीजा। उनको लगता है कि उनके जो ऑप्शंस हैं वो अमेरिका में काम करने के कमजोर होंगे। उनको ये लगता है कि कभी कभी भी उनको रोका जा सकता है काम करने से और उनको माइग्रेट किया जा सकता है वापस इंडिया। तो उनको ये लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे तो इस इशू को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर प्रधानमंत्री सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो उनको इस इशू को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन सुशांत, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इतने बड़े दोनों देश के नेताओं की मुलाकात होती है तो शायद इस तरह के इश्यूज बहुत कम उठाए जाते हैं। हाँ, डेलीगेशन लेवल टॉक्स में इसकी बात हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में अभी यूएस सीनेट और यूएस कांग्रेस को क्या बोलते हैं अपना कानून बनाना है, और इसके चलते मेरे ख्याल से भारतीयों को कुछ रियायत दी जाए, क्योंकि भारतीयों का जो ब्रेन है उसी ने सिलिकॉन वैली को बनाया है, उसी ने यहाँ की डिजिटल लाइफ को बनाया है। इस बात को ट्रंप भी समझते हैं और बाकी लोग भी समझते हैं, और ट्रंप जो है वो भारत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कल हमारे ट्रंप के एक सहयोगी मिस्टर जस्सी से बात हुई थी, उनका कहना था कि दो चीजें उनको बहुत पसंद है, भारतीय संस्कृति और भारतीय खाना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुंबई में भी काम कर चुके हैं, उनकी कंपनी जो है ट्रंप कंस्ट्रक्शन जो है जो बड़ी बिल्डिंगें बनाती है वो पुणे में भी काम कर चुके हैं और अब गुड़गांव में काम कर रहे हैं। जो ट्रंप टावर न्यूयॉर्क के अंदर है कई सारे और बड़े बड़े हैं, उसी तरह का ट्रंप टावर वो गुड़गांव के अंदर बनाने वाले हैं और वो गुड़गांव का सबसे बड़ा टावर होगा, ये हमारी जानकारी है। तो चूंकि वो इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया किस तरह की डेस्टिनेशन है, वो इतनी तरह अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया कितना बड़ा कितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई गलती करेंगे जिससे भारत नाराज हो। और डिप्लोमेसी में इस तरह की बात करी भी नहीं जाती है, तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप को पता है कि भारत की क्या खूबियां हैं, ट्रंप को पता है कि भारत कितना बड़ा बाजार है, ट्रंप को ये भी पता है कि भारत साउथ एशिया में एक लीडरशिप का रोल कर सकता है, ट्रंप को ये भी पता है कि चाइना क्या है और भारत की डेमोक्रेसी क्या है और भारत की डेमोक्रेसी किस तरह से वाइब्रेंट है। एक आदमी हारता है तो वो पद छोड़ देता है, दूसरा आदमी जीतता है वो पद ले लेता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी के साथ कोई भी नेता, मैं एक बात और यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल देश और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया हैं, और नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कहा जाए तो वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं। तो ये दोनों की समानताएं हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत पे प्रधानमंत्री मोदी को नाराज करेंगे। कुछ ना कुछ दिया है और कुछ ना कुछ और देकर जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा डिप्लोमेसी में सिग्नलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और अभी तक उन्होंने पाकिस्तान को स्नब ही किया है, पाकिस्तान को अपने से दूर रखा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो पहले इंसान थे, वो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की बात कही है, जिस बात को भारत सदियों से, सालों से कहता रहा है, सदियों से तो नहीं कहूंगा, सालों से कहता रहा है। तो मुझे ये लगता है सुशांत कि आपको भी इस बात को और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि
ट्रंप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे भारतीय एकाएक नाराज हो जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत की इम्पोर्टेंस कितनी है जी। और जब हम यहाँ बात भी कर रहे थे हमारे मेहमानों से, तो हमने जिन दो मुद्दों पर कहा था कि जरूर ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात होगी और प्रमुखता से होगी, उसमें एक आतंकवाद था और दूसरा बिजनेस की बात थी। लेकिन मैं आपसे कहने वाला था, आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे और कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अब वो सारे लोग पीछे से गायब हो गए। तो जब भी आप बात कर रहे हो और आपको आसपास लोग दिखे और आप उनकी राय रखना चाहें तो बात करा दीजिएगा। लेकिन आप चूंकि इशारों की बात कर रहे थे, तो अभी हाल में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो है एंटोनियो कोस्टा, अगर आप चाहते हैं तो मैं दो लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं दो लोगों से बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं ये आपको बता दूं कि जब से मैं व्हाइट हाउस आ रहा हूँ तब से यहाँ भारतीय बड़े प्रचुर मात्रा में है, बड़े प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी संख्या में है, और वो भारतीय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रंप और बाकी लोगों की रिलेशन किस तरह होना चाहिए। तो आपने नब्ज पकड़ लिया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ दो सज्जन है, आपका नाम क्या है भाई साहब, ये बताइए। मेरा नाम शांता मिश्रा है और इधर मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में काम करता हूँ। सो ट्रंप और मोदी के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ट्रंप और मोदी में बहुत सिमिलैरिटीज है, दोनों की अपनी अपनी एक पर्सनल ऑरा है जिसके थ्रू काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया में दे आर वेरी एक्टिव। ट्रंप को 33 मिलियन फॉलोअर हैं, वेयर मोदी हैज गॉट 30 मिलियन फॉलोअर। सो बिफोर आई कम टू द राइट पॉइंट, आपको मैं बताऊं कि $2 बिलियन का डिफेंस डील हो चुका है, फाइटर जेट हमें मिल चुके हैं और एसोसिएट प्रेस के थ्रू और अदर यूएस चैनल के थ्रू पता चला है कि इंडियन ओशंस में हमारे पास प्रीडेटर्स ड्रोन्स की हम बाजार ड्रोन खरीदने की बात कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट डन डील, एंड विच हैज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज चाइना इज एनवी बिकॉज नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम इन साउथ ईस्ट एशिया। सो दो चीजें डिफेंस के बारे में जो है कि अभी तक पता चला है, इट्स अ कॉन्क्रीट एविडेंस। सेकेंड इज, हम सभी आप बात करते हैं इमिग्रेशन, ऑब्वियसली there were loopholes in H-1B program. I cannot deny being in US. हिंदी में बात करें तो बेहतर। US में काफी दिनों से रहने के बाद ये पता चला कि देयर loopholes हैं H-1B program में। ट्रंप ने अभी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है, सिर्फ बातें चली हैं, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ nobody knows। और जहां तक H-1B की बात है, ट्रंप को ही पता है कि इट्स $150 बिलियन टेक इंडस्ट्री, ही कैनॉट इग्नोर इट। जहां तक रहा कि इंडियंस अमेरिकन्स की बात है, इंडियंस अमेरिकन इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग पीपल इन दिस कंट्री। उनका पर कैपिटा इनकम अगर आप जोड़ेंगे तो सबसे हाईएस्ट है, आप जाके कोई भी आप भारत की GDP से भी ऊपर। एग्जैक्टली, यू गॉट दैट। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सारी चीजें समझते हैं, डिप्लोमेसी में इट्स नॉट इजी कि आप ले लो मुझे दे दो, पीपल थिंक दे वर्क ऑन दैट एंड उनका एक स्ट्रैटेजी होता है। तो मुझे तो यहां तक लगता है कि ट्रंप को ही पता है, जैसे आपने पहले आपने बताया कि भाई उनका इंडियन बाजार में ही नोज, उनकी फैमिली का वहां वो है, अभी लोधा ग्रुप बना रहा है सबसे बड़ा बॉम्बे में, उनको पता है। सो इंडियंस को इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, कितने लोगों ने। इमिग्रेशन सिस्टम जो है यूएस का ब्रोकन है और इसमें से 99% लोग यही चाहते हैं कि यहाँ इमिग्रेशन सिस्टम एक सिस्टम बने। जैसे ग्रीन कार्ड का हुआ, अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो आप आज फाइल करें, विद इन 6 मंथ आपका EAD आएगा और विद इन 1 ईयर आपका ग्रीन कार्ड आएगा। अगर आप इंडियन और चाइना से हैं तो यू हैव टू वेट मिनिमम 6 to 10 years। सो जो कंट्री का कोटा है, ट्रंप इज सेइंग कि क्यों नहीं हम खत्म करें। सो मेरिट बेस्ड, सो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है अभी तक पॉजिटिव साइन है। और वो भी कब्जेदार नेता है मोदी जी, समझते हैं कि कैसे क्या करना है, कब कैसे बात करना है। तो मुझे तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन लग रहा है, पॉजिटिव साइन लग रहा है इनको सुशांत, बड़ा पॉजिटिव साइन लग रहा है और हमको इस बात को समझना चाहिए जी। मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था, क्योंकि आप इशारों को समझने की बात कर रहे थे, कई बातें आपने बताई। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा,
जब पीएम उनके पास गए थे तो उन्होंने उनके लिए बकायदा गुजराती कुजीन रखा था खाने में। आज जब डिनर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इतनी मेहमान नवाजी वो दिखा रहे हैं, और आप अंदर की खबरें लाने के लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं, क्या आपके पास भी ये खबर है कि आज मोदी जी के लिए क्या परोसा जाने वाला और क्या संकेत होगा उससे? मतलब खाकरा ढोकला वहां होगा क्या? एनके सिंह साहब पूछ रहे खाकरा ढोकला होगा क्या? ना बिल्कुल ये संकेत होगा, बिल्कुल ये संकेत होगा सुशांत, बिल्कुल ये संकेत होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं, क्या खाते हैं, बिकॉज ही इज अ स्मॉल ईटर, वो बहुत कम खाते हैं। और जब हम उनके साथ बड़ा क्लोजली इंटरेक्ट करते थे, जब वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे, तब भी एक रोटी दो रोटी से ज्यादा वो नहीं खाते थे। और साथ ही साथ जो उनको सबसे प्यारी डिश थी वो खिचड़ी थी। तो हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि ये जो डिश है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप ने समझी हो, वो समझते हो इंडियन कुजीन को, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और साथ ही साथ वो समझते हैं कि भारतीय खाना कैसा होता है, भारतीय खाना मुगलई कैसा होता है, भारतीय चाइनीज कैसा होता है, जो डिफरेंट स्टेट की जो रेसिपीज हैं वो किस तरह होती हैं। तो बाकायदा व्हाइट हाउस में इस बारे में रिसर्च किया जाता है कि जो इंसान हमारे यहाँ खाना खा रहा है उसको क्या क्या पसंद है और उसको कैसे बनाया जाता है। व्हाइट हाउस में इसका एक पूरा का मैं एक चीज इसमें जोड़ दूं, तो मुझे ये लगता है हमने ट्रंप को सुना था, दीपक जी हमने ट्रंप को सुना था, उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, मुझे उम्मीद है इस बार उनको पता होगा अब की बार खिचड़ी अचार, तो वो उसकी तैयारी भी होगी। एनके सिंह साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं दीपक जी, ये हम लोगों ने बहुत इस तरह हेड ऑफ द स्टेट्स के इंटरेक्शंस देखे हैं भारत के बाहर भी, जरा सा गौर कीजिएगा, ये हम लोगों ने ओबामा का भी देखा, आप उस समय थे अमेरिका में जब ओबामा के साथ मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप कर रही थी, आज जो पहली मुलाकात हुई है उसको भी आपने गौर किया, दोनों में क्या लग रहा है लॉन्ग टर्म ये रिलेशंस रहेंगे, जिस तरह ओबामा के साथ डेवलप हुआ था ये केमिस्ट्री, क्या वही केमिस्ट्री लग रहा है कि डेवलप होगी ट्रंप के साथ? बिल्कुल, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बारे में बकायदा रिसर्च किया है, वो मोदी के बारे में जानते हैं। कल हमारे साथ मिस्टर जस्सी थे जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नजदीकी सहयोगी हैं, सिख और अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसके बीच के एक ब्रिज है, और इन तमाम कम्युनिटी का बहुत ज्यादा फायदा अमेरिका ने लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, क्योंकि उनको प्रवासी लोगों के वोट भी ठीक मात्रा में मिले, मैं ये कहूं कि मेजॉरिटी में मिले हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरह भारत को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह भारत को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को जानते हैं, और उनको मालूम है कि एक भारतीय का जो रास्ता है वो दिल से गुजरते हुए पेट से जाता है। तो भले से नरेंद्र मोदी एक बिग ईटर ना हो, लेकिन उनको डेलीगेशन को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बकायदा एक पूरा का पूरा डेलीगेशन है, जिसमें हमारे एनएसए हैं, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिसमें हमारे एम्बेसडर नवतेज सरना है, तो ऐसे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस बात की समझ है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की ताकत को, भारत के बाजार को, भारत की चीजों को अमेरिका चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता, तो उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि वो किससे बात कर रहा है, और उसको किससे बात कर रहा है इसके मैं दो एग्जांपल्स आपको दूंगा। 5 घंटे के आसपास की बातचीत होगी, मैं आते आते थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रात भर भारतीय समय के अनुसार यहाँ पे खड़ा रहना है, और मैं खड़े रहने की कैपेबिलिटी जुटा लूं, क्योंकि अमेरिका में चलना बहुत होता है, चल चल के मेरे पांव बहुत बुरी तरह सूज चुके हैं। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बहुत अच्छी तरह पता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बहुत अच्छी तरह पता है कि भारत का महत्व दुनिया के अंदर क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने दो बड़े दुश्मनों की बात की है, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है चाइना। अगर इन दोनों को कंटेन करना है और पाकिस्तान को अपनी हद में रखना है ताकि वो चाइना की गोद में जाकर ना बैठ जाए, हमको पता है कि पाकिस्तान ने आधे पाकिस्तान को चाइना के हाथों में गिरवी रख दिया है, इन चीजों के बारे में अमेरिका को पूरी जानकारी है। तो
ठीक है, अमेरिका बैलेंसिंग है भारत और पाकिस्तान के बीच में करता है, भारत को कई बार झुंझुने पकड़ाता है कि बच्चा शांत हो जाओ, ये कैंडी है अभी खा लो, लेकिन अब चीजें उससे आगे जा चुकी है और इस बात को हमको बहुत बेहतर ढंग से एनके सिंह सर समझना चाहिए। जी, सज्जन आर साहब भी हमारे साथ है स्टूडियो में, वो कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे सर। देखिए, मैं दो तीन चीजें बस कहना चाहूंगा। दीपक जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो उन्होंने कहा है, जो ये H-1B वीजा का जो मामला है, का जो मसला है, इसको मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी नहीं उठाएंगे। और जैसे हमारी पहले बातचीत हो रही थी, जो वो पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट का भी मामला है, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं और मेरे विचार से जो पहली मुलाकात है उसमें उनको कन्वर्जेंसेस डेवलप करने हैं और ट्रस्ट डेवलप करना है। तो इसीलिए ऐसे जहां पर कि आपके बीच में मनमुटाव हो या जो आपके बीच में डिफरेंसेस हो, तो ऐसी चीजों को वो नहीं लाएंगे। और जैसे उन्होंने कहा है, यही वो बयान करना चाहेंगे, जो भारत का अमेरिका के साथ जो रिश्ता है वो अमेरिका के लिए अच्छा साबित हुआ है। जैसे जो भारत के वहां पर मूल के लोग हैं, मैं जैसे पहले बता रहा था 20 सीईओज में 5 सीईओ तो भारत मूल के थे, और वहां पर अगर एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो भारतीय मूल के जो 3 मिलियन लोग हैं वहां पर, वो सभी और न केवल इमिग्रेंट से बर सभी जो वहां के अमेरिकी लोग भी हैं उनसे भी अच्छी उनकी एजुकेशन है, उनसे उनकी अच्छी पर एनम उनकी अर्निंग्स है। तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छा वहां पर योगदान दे रहे हैं और ये समझेंगे जो अच्छे रिश्ते भारत और अमेरिका के, अच्छे रिश्ते न केवल अमेरिका के लिए ठीक है उनकी आर्थिक व्यवस्था के लिए, परंतु उनकी सामरिक स्थिति के लिए पूरी दुनिया भर में उनके लिए वो सहायता है। इसीलिए वो मेरे विचार से उनकी तरफ से भी बहुत प्रयास रहेगा जो भारत के साथ रिश्ते और अच्छे हों और सुदृढ़ हों, और जैसे तेजी से बढ़ते रहे हैं, पर्टिकुलरली पिछले 3 साल से जैसे तेजी से बढ़े हैं, वैसे आगे भी ट्रंप के राज में भी वो और भी आगे बढ़ते जाए। दीपक जी, जब आप एनआरआई से एक बात कर रहे थे, उनके साथ आप कुछ इंटरेक्ट कर रहे थे, उस समय एक तख्ती पीछे दिखाई दे रही थी और वो एंटी मोदी कुछ स्लोगन्स लिखे हुए थे, क्या कुछ एलिमेंट्स ऐसे एनआरआईज में हैं जो इस तरह के वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, मतलब इसको अगर कहा जाए कि मिनिमल, अच्छा, मिनिमल लोग, क्योंकि यहां पर भी कई तरह के फोर्सेस काम करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो ISI है, हमने कई बार देखा है अमेरिका आते हुए, शायद मेरा ये एक दर्जनवां टूर हो अमेरिका का, यहाँ पर क्राउड के अंदर ऐसे लोग मिक्स हो जाते हैं और इंडियन चैनल के पीछे इस तरह की तख्ती लगा देते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ खालिस्तान की बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं, अब उन चीजों का कोई मतलब नहीं रहा है। जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने दहाड़ दिया और कल साफ साफ ये कह दिया कि अगर मैं विश्व के किसी भी नेता से मिलता हूं तो मुझसे पूछा जाता है कि मेडिसिन स्क्वायर में आपने इतना अच्छा भाषण कैसे दे दिया, तो ये साबित करता है कि मोदी ने वहां पर अपनी प्रेजेंस दुनिया को फील करा दी थी। और ये भी फील करा दिया था। थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस वक्त हम दर्शकों के लिए वो फ्रेम दिखा रहे हैं जिसमें दोनों नेता आकर खड़े होंगे, साझा बयान जो है वो देने वाले हैं, यहीं पर दोनों अपना साझा बयान देंगे और बस अब से थोड़ा सा इंतजार है जिसके बाद वो हो जाएगा। मुझे एक बात और बताइए दीपक, कि चूंकि आप वहां पर काफी वक्त से हैं, भारत में तो कोई आदमी अगर चुना गया और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है या घट रही है, ये कुछ और चुनावों से पता चल जाता है। जैसे मोदी जी की लोकप्रियता यूपी चुनाव में जो मैसिव जीत मिली उससे पता चल गया कि अभी भी कायम है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बीते 5-6 महीने में लोगों का रुझान बेहतर हुआ है, खराब हुआ है, और क्या इससे पता चल सकता है कि हम अगले कार्यकाल के राष्ट्रपति से भी डील कर रहे हैं या ये 4 साल वाले राष्ट्रपति से डील कर रहे हैं? Yeah.
नहीं, मुझे ये लगता है बेहतर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने जीते हैं, उसी तरह से कई ऐसी जगह है अमेरिका में जिसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे उसके बाद इलेक्शंस हुए हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से बात अपने वहां बहस के कार्यक्रम में की थी, उन्होंने वो इलेक्शन जीते हैं। यानी अगर इसको पॉपुलैरिटी का इंडिकेशन माना जाए कि कौन कहां पर इलेक्शन जीत रहा है, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने भी बेहतर काम किया है और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्सेप्शन है लोगों के अंदर, अमेरिका के लोगों के अंदर, वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो हमको ये दोनों चीजें समझना चाहिए कि मोदी भारत के मोस्ट पॉपुलर प्रधानमंत्री में से एक है, वो एक डिसीजन मेकर है, वो डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं। ठीक उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक बिजनेसमैन है, मैं कहूंगा नहीं कि वो करियर पॉलिटिशियन है, वो एक बिजनेसमैन है, वॉशिंगटन के लिए ठीक उसी तरह नए हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर दिल्ली आए थे और नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि मैं दिल्ली वाला नहीं हूं, मैं दिल्ली में कुछ दिन भले से रहा था लेकिन मैं दिल्ली वाला नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि मैं वॉशिंगटन वाला नहीं हूं, मैं बाहर से निकलकर आया हूं। बट डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिलियनियर है अमेरिका के, और अमेरिका में बिजनेस करने के लिए आपको शार्प माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा सिर्फ अमेरिका में जरूरत है, भारत में भी जरूरत है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, लेकिन अब तक के जितने भी इंडिकेटर है वो यही बताते हैं कि ट्रंप का जो एक्सेप्शन है लोगों के अंदर, स्वीकार्यता है लोगों के अंदर, वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। और ठीक वही नरेंद्र मोदी जी का हाल है, अब की बार ट्रंप सरकार जो उन्होंने कहा था, मैंने कल वो जस्टिस साहब से पूछा था कि भाई इनको ये नारा किसने बता दिया, बोले हम लोगों ने ही बताया था कि अब की बार मोदी सरकार, उसकी जगह उन्होंने बोल दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो वो ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भारतीय वोटर्स उनके लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं। पहले बहुत चंद भारतीय लोग उनके साथ थे, बहुत ही चंद भारतीय लोग उनके साथ थे, लेकिन बाद में कम्युनिटी के काफी लोगों ने, मतलब उनको पता है कैसे दूसरे के सामान में अपना लेवल लगाकर बेचना है, इतने कुशल बिजनेसमैन वो है। सज्जन हार साहब भी कुछ पूछना चाह रहे जी। दीपक जी, एक प्रश्न है मेरा आपसे, जो यहाँ पर तो हमने देखा है मोदी साहब ने, अब जैसे यूपी में इलेक्शन हुआ, उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ, जीत गए, बहुत अच्छा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनको टेलीफोन कर दिया और बता दिया, कह दिया, जो मुबारकबाद दे दिया। और अगर यहां पर कुछ ऐसे ओपिनियन पोल्स भी हो, चाहे इंडिया टुडे ने किया हो या किसी और पेपर ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने किया हो, तो उसमें भी ये सब आया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की का जो पॉपुलैरिटी है ऑर्डिनरी लोगों में बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है। आपने ठीक कहा, जो राष्ट्रपति ट्रंप के अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं किस किस जगह पर, वहां पर वो जीत कर आए हैं, परंतु उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं, जो चाहे ये गैलप पोल करते हो या प्यू रिसर्च सेंटर करते हो, उसमें तो वो कहते हैं जो इनकी लोएस्ट पॉपुलैरिटी रेटिंग्स फॉर एनी प्रेसिडेंट एट दिस टाइम, चार पांच महीने में लोएस्ट पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है, और वो बढ़ने का तो आगे नाम ही नहीं ले रही है, वो तो शायद सिंगल डिजिट्स में आ गई है और वो फिर बद से बदतर हुई जा रही है। तो ये इसको आप, इस विरोधाभास को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो इलेक्शन तो वहां पर जीत रहे हैं परंतु पॉपुलैरिटी रेटिंग्स उनकी खराब हो जा रही है। पोल भी हमारे एग्जिट पोल जैसे तो नहीं होते नहीं प्यू वगैरह और गैलप तो बड़े अच्छे, वो साइंटिफिक तरीके से ये करते हैं, तो इसमें अगर आपको कुछ सुशांत आपने 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 बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। भारत में एक फिल्म बनी थी, बहुत चली थी, आमिर खान वाली, सुशांत आपने भी देखी होगी, उसका नाम था जो जीता वही सिकंदर, बिल्कुल, और उसका बड़ा सबसे मुकद्दर। तो मैं यही कहूंगा कि अमेरिका में भी जो जीता वही सिकंदर है, अभी तक छह महीने की बात हुई है। देखिए मैं कह रहा था व्हाइट हाउस के सामने कितने भारतीय लोग आते हैं और भारत का महत्व तो अमेरिका में कितना है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। एक मैडम यहाँ पर आई है और उनके हाथ में देखिए तिरंगा है और व्हाइट हाउस के सामने वो लहरा रही है,
तो व्हाइट हाउस के सामने जितने परिवार खड़े हैं, कोई एक दर्जन दो दर्जन के आसपास परिवार होंगे, उसमें भारतीय परिवार 3 से 4 होते हैं। ये बताता है कि भारत के लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी में। आपने वो फिल्म भी देखी होगी जिसमें श्रीदेवी थी और जो फिल्म बनाई थी गौरी शिंदा ने इंग्लिश, उसमें बकायदा अमिताभ बच्चन जाते हैं और उनसे इमिग्रेशन वाला पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं डॉलर खर्च करूंगा और जो डॉलर मैं खर्च करूंगा उससे आपके लोगों का पेट भरेगा। तो वाकई यहाँ पर इंडियन बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं माँ पे बताइए आप कहाँ से आई है और भारत का तिरंगा आपके हाथ में क्यों? मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरा नाम तरुलता भुजपुरिया है और इधर मेरी बेटी रहती है, तो यहाँ से मैं बस और ट्रेन में करके मैं अकेली आई हूँ और खास मोदी जी को मिलने को आई हूँ और यहाँ अमेरिका में जो तिरंगा झंडा लेके आई हूँ कि हमारे देश के लिए जितना प्रोग्रेस होता है इंडिया का वो मोदी जी कर रहे हैं और करेंगे, और हमको कॉन्फिडेंस है कि ट्रम्प और मोदी जी मिलके कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा सुशांत यहाँ पर किस तरह से तिरंगा लहरा रहा है लोगों के हाथों में। मुझे नहीं पता कि मैडम नरेंद्र मोदी जी से मिल पाएंगी, प्रधानमंत्री से मिल पाएंगी या नहीं, लेकिन वो जब भी अपना पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, जब भी किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वो लोगों के बीच जाते हैं, लोग खड़े होते हैं, और जब भी वो अपनी होटल तक पहुंचते हैं तब भी लोग खड़े होते हैं और सुरक्षा का घेरा तोड़कर वो आते हैं। लेकिन अब मैडम के लिए पॉसिबल हो पाएगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर भारतीयों की बात की जाए तो भारत के लोग जितना कमाते हैं, मैं एग्जैक्ट पॉपुलेशन तो नहीं बता पाऊंगा, 3 मिलियन के आसपास होगी, लेकिन वो लोग भारत की जीडीपी से बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका की जीडीपी के अंदर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है और ट्रंप भी इस बात को समझते होंगे, और चूंकि समझते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग सबसे पहले चाइनीज हैं और उसके बाद इंडियंस हैं, तो मुझे ये लगता है ट्रंप भी इस बात को समझते होंगे कि आप चाइना से दुश्मनी रख सकते हैं, आप चाइना के लिए एक एंटी चाइना स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि भारत न केवल एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है बल्कि साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सज्जनार साहब मुझे एक चीज बताइए, ये साझा बयान जो जारी होना है वो 2:30 बजे के करीब होना था और अब करीब करीब 2:56 हो गए, क्या ये शुभ संकेत है कि बातचीत लंबी खींच रही है या कहीं मामला अटक रहा है, ये देरी क्यों? नहीं, मामला नहीं अटक रहा होगा, ये बातचीत कर रहे होंगे नेतागण अपने में और इससे हमें कोई वो चिंता की कोई बात नहीं है जी, चिंता का कोई विषय नहीं है। देखिए सब लोग वहां पर तैयार हैं, बड़ा अच्छा दिन है, धूप निकली हुई है। दीपक कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं जी? दीपक मैं आपको बता दूं सुशांत की ये बड़ा साफ है, ये बड़ा साफ है कि ये मीटिंग कम से कम लगभग 4.5 से 5 घंटे की है। जो शेड्यूल टाइम है व्हाइट हाउस के अंदर वो शुरू हुआ था यहाँ के टाइम से 3:30 बजे और लगभग 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर करके यहाँ से वापस निकलना है। सबसे पहले दोनों की 1-to-1 मीटिंग थी, यानी जिसके अंदर मैं माफी चाहूंगा आपको, रोक रहा हूँ ये अच्छा नहीं, अभी राष्ट्रपति नहीं आया, और माइक पेंस आए और जी जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, हमें ये भ्रम हुआ कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए, बस वो भी आ जाएंगे, नहीं नहीं मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि ये बड़ा साफ था कि दोनों लोग लंबे वक्त तक बातचीत करेंगे, 5 घंटे की बातचीत ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो इसमें हमको ये कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए कि क्या बातचीत अटक रही है क्या बातचीत नहीं हो रही है। सबसे पहले दोनों को 20 मिनट 1-to-1 मीटिंग करनी थी और सुशांत आपको पता है कि 1-to-1 मीटिंग होती है तो दोनों के कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि वो 20 मिनट बैठे, 40 मिनट बैठे, 60 मिनट बैठे या और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए 120 मिनट बैठे। तो ये ट्रंप और मोदी पर डिपेंड करेगा कि वो
कितना टाइम देते हैं, उसके बाद दोनों के बीच डेलीगेशन लेवल टॉक्स है। अभी तक का जो शेड्यूल है उस डेलीगेशन लेवल टॉक्स में भारत के उच्चाधिकारी और अमेरिका के उच्चाधिकारी दोनों मौजूद होंगे, जो छोटे बड़े इश्यूज है उन पर बातचीत होगी और उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा जिसमें सवाल नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ आएंगे डोनाल्ड ट्रंप और आएंगे नरेंद्र मोदी जी और एक स्टेटमेंट पढ़ के वापस चले जाएंगे और उसके बाद वर्किंग डिनर होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तक जितने भी वर्किंग डिनर हुए हैं या डिनर हुए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर किए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को वो व्हाइट हाउस के अंदर डिनर करा रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी है, तो हमको इसका महत्व भी समझना चाहिए। सुशांत जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम दर्शकों के लिए तस्वीरें बयां कर दें। जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी डेलीगेशन लेवल की वो खत्म हो गई है और अब से बस कुछ मिनटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, जो आप दो डायस देख रहे हैं वहां पर, वो खड़े होंगे अपने अपने जगहों पर। झंडा लगा हुआ है, जहां पर तिरंगा है वहां प्रधानमंत्री मोदी खड़े होंगे और जहां अमेरिकी झंडा लगा है वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे। और दोनों जो है, जो अंदर बातचीत हुई है, जो साझा बयान है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसे हम कह रहे हैं, उसको मीडिया के लोग वहां पर मौजूद हैं उनके सामने रखेंगे। जो डेलीगेशन है वो बाहर आ चुका है, आप देखिए दोनों इस तरफ से, अब बस दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बाहर आने का इंतजार है। और सज्जनार साहब, ये जो साझा बयान है, ये दोनों अपने अपने स्तर पर पढ़ के बताएंगे और या फिर कोई एक बताएगा? नहीं, ज्वाइंट स्टेटमेंट तो नॉर्मली रिलीज होता है और दोनों नेता एक अपना प्रेस स्टेटमेंट वो अलग अलग होगा और वो उसमें उसके ऊपर नॉर्मली यही होता है। अब देखेंगे जो क्या यहां पर क्या करते हैं, वो मुख्य बिंदु बताएंगे जो इसमें हमने आगे किस किस चीज पर बात की है, किस किस चीज जो इसमें हमने आगे किस किस चीज पर बात की है, किस किस चीज पर सहमति हुई है, किस किस चीज पर हम आगे काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, इसके ऊपर वो बताएंगे। उनका अलग अलग प्रेस स्टेटमेंट होता है और जो साझा बयान है वो तो पूरी प्रेस के लिए रिलीज कर दिया जाएगा, उसको कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बस हमें थोड़ा सा और इंतजार करना है। और जैसा हम बता रहे हैं आपको कि बातचीत हो चुकी है दोनों ही नेताओं के बीच, अकेले में भी और जो डेलीगेशन था उसके बीच में भी, और अब बस इंतजार है कि दोनों बाहर आएं और फिर जिस प्रेस रिलीज की हम बात कर रहे हैं दोनों उसको पढ़कर बताएंगे, तो स्थिति साफ हो जाएगी मोटे तौर पर कि किन मुद्दों पर बात हुई है और किन मुद्दों पर सहमति बनी है। अभी इंतजार बस चल रहा है। दीपक, एक बार और अगर आप समझा सकें कि ये जो पूरी बातचीत है, क्या इसको सिर्फ इस लिहाज से देखें कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते भी कितने प्रगाढ़ हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दिखेगा इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में? देखिए, मुझे यह लगता है कि दोनों की मजबूरी है आपस में रिश्ते प्रगाढ़ करना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं माफी चाहूंगा आपको।